अखबार। क्या चिल्ला रहा है? धीरे नहीं बोल सकता तू? अंदर आदमी सो रहा होता कोई? ये सुबह सुबह अखबार फेंकने का टाइम है? अखबार सुबह सुबह डालूंगा ना। नहीं तो दोपहर को डालेगा तो तेरी कौन सी खबरें बासी हो जाएंगी बे? वैसे भी ये लोग कल की खबर आज छापते, हिम्मत है तो आज की खबर आज छाप के दिखा। घटना हुई नहीं तो वो कैसे छाप दूंगा मैं? अच्छा घटना हुई नहीं वो कैसे छाप दूंगा? इधर ये क्या लिखा है? 2050 में हवा में उड़ेंगी गाड़ियां, ये तेरे बाप ने बनाई है? ये डाल रहा है ना तू? सुन मेरी बात, आज के बाद दोपहर 12 बजे के बाद आना नहीं इधर। हाय, गुड मॉर्निंग कपू। बहुत ज्यादा गुड मॉर्निंग। आई एम सरप्राइज्ड कि आप सुबह सुबह उठ जाते हो। सुबह सुबह? मेरी तो दोपहर होने वाली है। मैं तो 3 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा, मैं तो 3 बजे सोने जाती हूँ। हमें क्या पता, कभी हमें सो के दिखाया नहीं आपने। तो वाह, मुझे तो कह रहे थे मैंने नींद खराब कर दी। तूने दोपहर की खराब की है बे। चल भाग। अरे मैंने तो वैसे ही कहा था कि सोते हुए देखा, आप तो दिखा रही हैं सो के। ये ना योगा करने के लिए बिछा रही। अच्छा अच्छा, योगा, योगा, योगा। आपको योगा आता है? मेरे को योगा? क्या बात कर रही हैं आप? योगा पहले सिर्फ गा गा था, उसमें यो मैंने डाला है। सीरियसली? हाँ, ये जो हनी सिंह है, मेरे पास 3 थे तो एक मैंने योगा में डाल दिया, 2 हनी सिंह को दे दिए। यो यो हनी सिंह। वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आपको योगा आता है? अरे बहुत ज्यादा आता है। आपको पता है हनी सिंह को मैंने 2 योयो दे दिए, उसके बाद वो मोमो मांग रहा था। मैंने कहा मोमो नहीं, योयो हनी सिंह अच्छा लगे। तो फिर अनु मलिक आए, उनके पास धागे थे तो मैंने उनको मोमो दे दिया, मोमो के धागे तेरी उंगलियों से जा चिपके, वो कर दिया। बहुत ज्यादा योगा आता है मेरे को। अच्छा, सच में आता है आपको योगा? बहुत ज्यादा आता है, कभी कभी तो इतना आता है बाहर तक आ जाता है। आपने और किसको सिखाया? अरे शिल्पा शेट्टी की योगा वाली सीढ़ी नहीं देखी आपने? वो उनको आपने सिखाया? सारे बताना मत किसी को, बेचारी का मैं क्रेडिट नहीं लेता, सारा मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो लेकिन मैंने आपको कभी उनके साथ देखा नहीं है। वो उसमें क्या है, लेडीज टॉप था, उसमें मैं अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने किया VFX में शिल्पा शेट्टी को डाल दिया। आप मुझे कोई ऐसा आसन सिखाइए जिससे मैं दिशा पटनी की तरह फिट हो जाऊं। इधर बैठ। देखो ऐसा है, दिशा पटनी की तरह खाली फिट होना ही काफी नहीं है। हाँ। या तो पटनी भी हो। तुम तैयार हो? आओ आसन करते हैं। आज 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 इधर आओ। ये वाला पोज बनाओ, टाइटैनिक देखिए। हाँ। ये वाला पोज करेंगे हम, ठीक है? इससे क्या फायदा होगा? इससे चेहरे पे ग्लो आएगा। सच में क्यों आएगा? ऐसे बातें करते रहो, फिर नहीं आएगा। क्योंकि वो आएगा, तुम बातें कर रही होगी, वो बोला ये तो बातें कर रही, वो चला जाएगा। आंखें बंद करो। ये कौन है? वो जंगल है ना, इधर निकल आते कुत्ते बिल्ले बाहर। मैं सुंदर दास छपरी वाले, एक पुड़िया में इतनी जान के गधा भी लगने लगे इंसान। देख लो, एक तो लग भी रहा है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या तुम्हारी बेटी? चल रही है। एक ना मेरा दोस्त है, वो जब भी किसी लड़की से बात करने लगता है ना, उसका ससुर बीच में आ जाता है, उसकी बड़ी टेंशन है। अच्छा, ससुर ऐसे ही होते हैं, मेरा वाला भी ऐसे ही था। अर्चना जी, हाँ, जब भी मैं अपनी वाइफ के साथ जॉली हुआ करता था ना, जॉली, तो ससुर बीच में आ जाता था। अच्छा, ससुर बीच में आ जाता था तो आपके 9 बच्चे हैं। हाँ। अगर नहीं आता तुम्हारी तो आर्मी खड़ी हो जाती। मैं बेटा तुम ही हो जो मुझे डिमोटिवेट करते रहते हो, वरना रसिया की सरकार 10 बच्चे वालों को ना 13 लाख रुपए देती है। मैं अगर रसिया में होता ना तो लखपति होता। हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग। जिस हालत में मैंने तुम्हें पकड़ा है ना बेटी, उस हालत में गुड मॉर्निंग नहीं, सॉरी अंकल बोलते हैं। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि योगा करने के लिए सॉरी क्यों बोलना। ये दमाद जी, ये अभी तक योगा ही समझ रही है। खबरदार, मुझे दमाद जी कहा तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उधड़ी हुई लोमड़ी। चल निकलो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, चल। दिखाई नहीं देता मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ लड़की से?
बेटा इम्पोर्टेंट बात तो तुम्हारी सास से मैं किया करता था। ये नौ बच्चे ना जादूगर की टोपी से नहीं निकले हैं। जैसी आपकी खरगोश जैसी बेटी है ना, मेरे को तो लगता है तुम सारा परिवार जादू वाली टोपी में से निकले हो। अब ऐसे बेटा, जब तुमने उसको खरगोश मान ही लिया है तो वाइफ भी मान लो। मैं नहीं मानता। कप्पू जी मान जाइए ना, अंकल इतने प्यार से समझा रहे हैं, मान जाइए ना। इन्हीं हरकतों के चक्कर में वो मान नहीं रहा है। समझी? दामाद साइड में आओ। अबे चल बे। ठीक है ए बेटी, तुम ही चली जाओ उधर। देखो दामाद जी, ये जब तुम लड़कियों के साथ इम्पोर्टेंट बातें करते हो ना, मुझे बर्दाश्त नहीं है ये सब। तो निकलो फिर मेरे घर से बाहर। निकालो मत बेटा, 6 महीने में एक बार। ठीक है निकलो। अरे 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 बेटा, अभी का भी निकलो बेटा बेटा बेटा। 1 महीने में 2 बार। ठीक है अपनी बेटी को भी उठा, निकल बाहर। ए बेटी उधर कहाँ खड़ी हो? अरे तुम भी तो मेरी बेटी हो, आ जाओ इधर आ जाओ। आ क्या कर रही थी तुम? ऐसे ऐसे हाँ हाँ करो, तुम भी चले ही जाओ। ठीक है, आज जहाज जा रहा है, बहुत बढ़िया। ए दामाद जी, जहाज डूबने से पहले उतर जाना। बेचारे अंकल कितनी कोशिश कर रहे थे कि आपको आपकी बीवी याद आ जाए। मेरी कोई बीवी नहीं है। मेरी यादाश्त गई है, उस चीज का फायदा उठा रहा बुढ़ा। ओह यू सो इनोसेंट। इनोसेंट भी हूँ मैं, सिंगल भी हूँ। मैं तो इतना इनोसेंट हूँ, कभी डॉक्टर मुझे कहता ना वो देखो चिड़िया, मैं देख लेता हूँ। मैं उधर देखता हूँ, वो मेरे इंजेक्शन लगा देता है। मुझे आज तक किसी लड़की ने हग नहीं किया। डोंट वरी, मैं किसी लड़की से कहूंगी ना तो आपको जरूर हग करेगी। तो अभी कहो, अभी दिल कर रहा है। लेकिन अभी मैं किस लड़की से कहूँ? अपने आप को कह दो, तुम डायरेक्ट बुलवा के रहती हो, मैं इतना भी इनोसेंट नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे कोई और आसन सिखाइए। और क्या, पहले वाला सीख लिया? पहले वाला सीखो, तपस्या है। इधर गुड मॉर्निंग चूजा। अबे साले तू कब निकला बे बिल से बाहर? तभी जब आप हद से बाहर निकल रहे थे। चलो मुझे स्कूल छोड़ के आओ। स्कूल छोड़ के आओ? तेरे है ये स्टूडेंट है, मुझे प्रिंसिपल से बड़ी लगती है इसने। स्कूल छोड़ के आओ। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? He's so cute. ये तेरे को क्यूट लगता है? उस दिन बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रहा था, बिल्ली ने अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिलाया, कहती इसके साथ खेलना है, नो दूध, गेट आउट। ये क्यूट है। वाह जीजा, लड़की के सामने नंबर बनाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। यू आर राइट, आई एम अ बॉर्न क्यूट। और मैं तो इतना क्यूट हूँ ना, कभी कभी बिल्ली अपने बच्चों को चाटते चाटते मुझे भी चाटने लगती है। अबे साले तेरे को चूहा समझ के चाट जाती है वो। और चूहा होता तो खा नहीं जाती मुझे। वो तो खाती इसलिए ना, तेरे से स्मेल आती है बे। ओ जीजा हमने भी बहुत कहानियां पढ़ी हैं। मैंने तेरा ना काठी रोल बना के ना तेरे को टिफिन में पैक कर देना, मैंने जीजा कहा तो। मैं तो ये इमेजिन कर रही हूँ कि ये रोल होके भी कितना क्यूट लगेगा। ए देखिए मोहतरमा, आपको क्यूट क्यूट बोलना, जीजा को बोलिए मेरा फोकस पढ़ाई की तरफ है। ए जीजा स्कूल लेके चलो मुझे। अबे जा, किसी कुत्ते की पीठ पे बैठ के चला जा, चल। चलो मैं छोड़ देती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम रुको, हमारा योगा का टाइम है। ड्राइवर प्यार से बोल रहा हूँ, ये ले 50 रुपए का प्यार दबाओ। और जीजा अपने हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से दो। ये 500। बाय दीदी। जीजा हाँ? दीदी का ख्याल रखना, अंदर वाली का, इसका तो कोई भी रख लेगा। He is so so naughty. ओ मेरा साला है ना मेरे पे गया है। एक मिनट, बीवी आपको याद नहीं, साला आपको याद है? चलो ये देखो, आसन वासन होंगे नहीं, जुम्बा करते हैं। जुम्बा? हाँ। जुम्बा से क्या जल्दी वेट लॉस होता है, okay. ग्लो चेहरे पे भी आता है, हर जगह पे आ जाता है। okay. चलो भगवानी क्या हो गया, हम लुट गए। अभी तो उछल उछल के नाच रही थी,
अभी क्यों चिल्ला रही है? चिल्ला मैं इसलिए रही हूं दामा जी, क्या चटर पटर गुटर पुटर कर रहे हो आपस में? हमारी पिटिए का साथ धोखा ए बिंदु उत्पाद निकलो, देखो क्या हो रहा है। अरे माँ क्यों चिल्ला रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? बाहर मोहल्ले तक आवाज आ रही है तुम्हारी। अरे तुम कहाँ गई थी? अरे तुमने ही तो बोला था नीम के पत्ते की चटनी बना के इसको खिला देना ताकि इसकी याददाश्त वापस आ जाए। पत्ते तोड़ने गई थी उधर, तुम नीम का पत्ता तोड़ने गई थी, इधर तुम्हारे पेड़ पे कोई डाल अटकी हुई है। Excuse me, आंटी, मैं कोई डाल नहीं हूँ, I'm गजल। हाँ तो हम कौन सा पंकज उदास जो तुमको देख के खुश हो जाएंगे? एक सेकंड यार, चल क्या रहा है? क्या चल, तुम मेरे पति पे डोरे डाल रही हो? ओ बहन जी, किसका पति, कौन पति? चलो जाके अपना धनिया बेचो, चल छट। नीम के पत्ते हैं शर्मा। हाँ तो नीम का पत्ते बेचो। ए तमाची, क्या बोल रहे हैं? कौन से पति, क्या भूल गए क्या? अब घोड़े बैठ के बारात लेके आए। मैं नहीं आया था घोड़ी पे बैठ के, हर बार तुम घोड़ी जैसा मुंह खा के आ जाती है। गॉड, इनको ना ऐसे याद नहीं आएगा। मैंने ना एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट सीखे हैं, वो दबाने से इंसान की याददाश्त वापस आ जाती है। एक मिनट। ओ हेलो, हाथ के पॉइंट्स मुझे भी आते हैं, समझ में? शर्मा जी, क्या कमी है मुझे जो आप इसके पीछे भागते रहते हैं, क्या कमी है? हे बेटी, वो खूबसूरत है, हॉट है, क्यूट है। कमियां मत पूछो, ये बता देगा। मैं माँ हूँ, दो चार कमियां कम बताऊंगी, 25-30 एक्स्ट्रा बता देगा। तुम एक काम करो, मंगलसूत्र का कसम दिलाओ, शादी का कसम दिलाओ। ए, तुम्हारा मर्द है, इसको रिझाओ। मम्मी क्या बोल रही हूँ तुम? बेटी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ये सिर्फ रिझना चाहता है और कुछ नहीं। और सुनो मेरी बात, मेरे को परेशान ना करो। तुम लोगों को मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मैंने तिहाड़ जेल से ना दो क्रिमिनल औरतें मंगवाई हैं तुम लोगों को पिटवाने के लिए। एक तो आ गई, दूसरी ये क्या चल रहा है ये सब इधर? पापा देखिए ना, शर्मा जी सुबह सुबह इसके साथ योगा योगा कर रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है ये सब। अरे अंकल, आप क्यों ऐसे बोल रहे कि बहुत गलत है? अरे इन्होंने तो हमें योगा का पोज दिखाया था। एक सेकंड, कर रहे बागड़ बिल्ला को ही का जिंदगी भर तुम्हारा जड़ी बूटी का राज छुपाते फिरे और तुम यहाँ पे इसको पोस सिखा रहे हो? आखिर क्या कमी है कुछ में? अरे क्या कमी है जो इसको पोस सिखा रहे हो? खूबसूरत है, हॉट है, क्यूट है। पूछो मम्मी वरना डैडी सब बता देंगे। ए, ज्यादा नहीं बोलना, समझ में? और नीचे का होठ खींच के मुंह में फाड़ देंगे। मम्मी! अब क्या हुआ? तुम मेरे ससुराल में रुकी हो मेरे वजह से। हाँ तो तुमको तो भूल चुका है, कम से कम हमें तो याद रखता है वो। कप्पू जी, आई थिंक मेरी वजह से आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मुझे चलना। ओ, नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये फैमिली में प्रॉब्लम है। ओए, तुम लोगों की रात की 8 बजे की ट्रेन है, दो टिकटें बुक की हैं, बाकी दो छत पे बैठ के निकलो। चलो चलो। छत पे बहुत ठंड लगता है, कैसे बैठेंगे? एक मिनट, धोखा हुआ एक बच्चे के साथ। क्या? जीजा आपने 500 रुपए का नकली नोट दिया मुझे, चार दोस्तों के सामने बेइज्जती हो गई मेरी, मैं कहीं पूछे दिखाने लायक नहीं रहा। कोई बीच में नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा? आज एक साला बोलेगा और एक चीजा सुनेगा। हाय हाय। अरे साले। अबे चल। पूरे परिवार ने जीना हराम कर रखा मेरा। निकलो हमारी मेहमान यहाँ पे पधार रही हैं, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है बल्कि बहुत सारे गाने हैं। अच्छा, मैं एक गाना गाऊंगा। हाँ। आप पहचान जाएंगे कि कौन आ रहा है। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लड़कियां जबरदस्ती किसी को भाई बनाती ना, हाँ, तो उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती बाद में।
पूछ लो, राखी बांधू कि नहीं बांधू? हाँ हाँ अच्छा नहीं अच्छा। हाँ हाँ कितनी हाँ। प्यारी लग रही है, इतनी खूबसूरत ड्रेस में ऐसी बातें करती अच्छी लगती है। हुमा के लिए जोरदार तालियां, महारानी में जो परफॉर्म किया है। मैं हुमा को बैकस्टेज भी मिला, मैं कहा हुमा मैं ना बिलीव नहीं कर रहा था, आई नो शी इज फैंटास्टिक एक्टर पर इतनी कमाल एक्टर। और क्योंकि शहर में पली बड़ी है, पूरी उफ पली है। वो करेक्टर में ऐसा घुसी है ये महारानी के करेक्टर में, सुपर्ब सुपर्ब, वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हुमा ये अभी दूसरा सीजन आया है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जी। ये दूसरे सीजन का पहले से प्लान था कि आपने अखबारों में सुना कि कपिल आजकल बड़ा हैंडसम लग रहा है, उसको लाइव मिलके आते हैं जाके, ऐसा मन में कुछ था? नहीं, सुना तो था कि कपिल आजकल बहुत हैंडसम हो गया है, फिट हो गया है, तो इसे हम एक्साइटमेंट से यहाँ पे आए भी प्रमोट करने के लिए, मगर अखबारों में तो कुछ भी लिख देते ना आजकल। अच्छा ये जेब में तो रख लो, जेब में रख लो, काला धागा बांध लो। मेरी माँ कहती थी तू हैंडसम बड़ा लग रहा है, कहीं नजर ना लग जाए। आप सबको पता ही है महारानी सीरीज में जब हुमा जो हैं अपने पति जो उनके चीफ मिनिस्टर रहते हैं पति इनके, उनको जब जेल हो जाती है तो ये उनकी कुर्सी पे बैठती हैं और फिर उठती नहीं है। एक दो छिटपुट घटनाएं हमारे आसपास भी हुई हैं। शुरू हो गया। मैं ये पूछना चाहता था ये क्या प्रॉब्लम है लेडीज की, किसी आदमी की कुर्सी पे बैठती हूँ उठती क्यों नहीं है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? आपको क्या लगता है अर्चना जी? आई थिंक हम लोग ज्यादा लायक होते हैं इसलिए हमें कोई कुर्सी से उठाता ही नहीं। देख लो सीधा सीधा बोल रही है, और अगर रानी भारती के अंदाज में बोलूं तो बोलेंगे देखिए हम टेक्निकली नहीं हैं, हम असल के मुख्यमंत्री हैं, तो चुपचाप निकल लीजिए आप, समझे? राजनीतिक गलियारों में अफवाह फैल रही है कि हुमा कोई भी प्रोजेक्ट साइन करती ना तो अपने कॉलेज के ड्रामा टीचर जो है उनसे सलाह लेती है। मैं ये बोल रहा था कि जैसे शादी होती है ये भी तो एक तरह का ड्रामा ही होता है, तो ये जब करोगी तो गुरुजी से पूछोगी? अभी लड़का मिला ही नहीं आज तक शादी करने के लिए, तो लड़के तो वेट कर करके बेचारे शादीशुदा हो गए तुमने। तो लड़कियों की प्रॉब्लम ये दूर से देखती रहती, इधर उधर देखती नहीं है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे बढ़ने से पहले वक्त है महारानी सीरीज में अहम किरदार निभा रहे दूसरे कलाकारों को इस मंच पर आमंत्रित करने का, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सोहम शाह, दिवेंदु भट्टाचार्य, मिस्टर अमित सयाल, मिस्टर प्रमोद पाठक एंड अनुजा साठे। सर जोरदार तालियां महाराज। मिठाई लेके आया हूँ मैं, क्या जेवर लेके आया हूँ आपको, लव यू भाई। अर्चना जी जेवर लाए हैं। अर्चना जी आपका सामान क्या है पहले बताओ? घेवर है, घेवर सोहम लेके आया, मजाक ये देखो, ये सारा का सारा राजस्थान की बड़ी प्रसिद्ध मिठाई है ये, पर ये तो इनका हो गया, हमारे लिए क्या? ये आपके लिए लाया हूँ, मेरे घर वाले आने नहीं देते, कहते कपिल के शो पे जा रहे हो कुछ ना कुछ मिठाई लेके जाओ। ये रिचुअल बन गया है, इसे बोलते हैं घूस। एक बात कहनी पड़ेगी, हमारे जितने मेहमान हैं इतना कमाल का काम किया आपने महारानी सीरीज में, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सोहम भाई मुख्यमंत्री का किरदार निभा रहे हैं, आप इतने प्यारे हो ना सोहम भाई, आप सीरियसली मतलब इतने भोले लगते हैं ये, मैं कसम से कहता हूँ ये कभी लोन मांगने जाए ना कोई इनसे गारंटी नहीं मांगे, इनका मुंह ही गारंटी वाला है। ये कहाँ मांगे, आइए बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। हमारे अमित सयाल साहब इतने गजब के एक्टर हैं ये, इन्होंने जितना भी काम किया चाहे रंगबाज हो चाहे हॉस्टेजेस हो, इनसाइड एज, जमतारा, मिर्जापुर, सब ओटीटी पे किया है। सर एक बात पूछना चाहता हूँ जी, आपने एक्टिंग का कोर्स किया है कि ओटीटी का डिप्लोमा किया है? नहीं ये बहुत सर बहुत सिंपल है, क्या होता है कि बहुत सालों से यहाँ पे, एक डायलॉग भी मेरा इसमें कि 17 साल से कुर्सी के पीछे पड़ा हूं। जी 17 साल के बाद कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला। अरे पर मैं कभी कभी सोचता था यार अमित सर इतने कमाल के एक्टर हैं, बड़े पर्दे पे क्यों नहीं आते, मैं कहा हो सकता है इनके पिक्सल फट जाते हो बड़ी स्क्रीन पे आके, और इनसाइड एज में आप देखो एकदम ही अमेजिंग वर्क अमित, अमेजिंग वर्क। दिवेंदु साहब ने भी बड़े खतरनाक रोल किए हैं, चाहे जमतारा देख लो, लूप लपेटा देख लो, ये ना घुस जाते हैं किरदार में। सर आपका जो फोन नंबर है ये प्रोड्यूसर ने एक्टरों की डायरेक्टरी से लिया था कि पुलिस स्टेशन से लिया था आपके? पर अनदेखी में जब आपने पुलिस वाले का रोल किया वो भी इतना मजेदार, विटी भी है,
सीरियस भी है अपने काम को लेकर, बड़े कमाल के एक्टर देखे भाई। प्रमोद सर को आपने बहुत सारी फिल्मों में, सीरीज में देखा। मिर्जापुर सीरीज में ये पॉलिटिशियन बने थे, रईस फिल्म में ये पॉलिटिशियन बने, महारानी में भी ये पॉलिटिशियन का रोल निभा रहे हैं। सर आप अपना करेक्टर में ऐसा घुसते हैं ना, मेरे को सीरियसली लगने लगा था कि आप सच्ची के कोई पॉलिटिशियन है। कई बार ऐसा होता है जैसे सीआईडी आता है ना सोनी पे, तो जो एसीपी प्रद्युम्न है, करेक्ट, दया कुछ तो गड़बड़ बड़ा है उनके पास ना, कई लोग सच्ची में एफआईआर लिखवाने आ जाते हैं बेचारे भोले लोग, और वो भी इतने शाने लिख भी देते हैं वो कि हो जाएगा तुम्हारा काम। मैं कहता हूँ आपने इतने सारे पॉलिटिशियन के किरदार किए हैं, घुस भी पूरा जाते हैं, और सुबह सुबह जब आदमी उठता है ना, दो ढाई मिनट तो होश नहीं आती उसको। कभी आपके साथ ऐसा हुआ आप उठे हो और फटाफट कुर्ता पहन का हो कि गाड़ी निकालो विधानसभा चलना है, होता ना? नहीं, ऐसा ऐसा हुआ है एक दो दफा, पर हुआ है बोलते हैं, जो जो ऑडियंस है वो याद दिलाती रहती है, तो बहुत अच्छे कुछ फीडबैक्स के बीच में एक आता है, यार कुछ और भी कर लो जीवन में, ये क्या बार बार पॉलिटिशियन। यानी सीरियसली मतलब ये जब अपने किरदार में आते हैं तब पता चलता है कितने कमाल एक्टर हैं। ऐसे बैठे हुए लग रहा है कि इनकी सीरीज पे इन्होंने पैसा लगाया है। सीरियसली ऐसे ना प्रोड्यूसर साहब साथ में आए हैं कि दुबई में इनका काम है, बताते नहीं कौन सा काम है, पैसा बहुत है यार। कपिल यहाँ रख दिया है, कांट स्टॉप ईटिंग, मैंने आधा खा लिया। I can't stop eating it. It's so good. ये जो ऊपर है ना हरे रंग का डिब्बा, वो नहीं खाना, अंदर वाले खाना बस। तेरे सर पे मार रहा है। पिछली बार भी पता नहीं डिब्बा खा लिया, मुंह में से गत्ता निकल रहा है, ये क्या फंस गया? But thank you so much. Thank you. Thank it is delicious. अभी ये एडिटर को बोलेंगे सोहम लाया घेवर, उसके शॉट ज्यादा रखना, बाकियों के देख लेंगे। अच्छा है ना सोहम? It's a good return gift to you. अच्छा अर्चना जी आप देखना, सोहम भाई जो है बड़े कॉन्फिडेंट है और बड़े बड़े लंबे लंबे सीन और लंबे लंबे डायलॉग आराम से बोल रहे हैं, लेकिन जब इनको घूंघट उठाना होता है ना उमा का स्वागत वाले दिन, उसमें इतने रीटेक लिए इन्होंने, क्यों ऐसा है? ये घूंघट में क्या पिस्तौल लेके बैठी हुई थी क्या? क्या बीवी आई थी सेट पे उस दिन? परेशान करने वाली एक्टर है आपको पता नहीं? वन सेकंड, दैट्स नॉट ट्रू। मतलब क्या हुआ, हमारा एक सीन हो रहा था, मुझे हो गया मैं कॉन्शियस, और जो मैं करूं ये हंसे और मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे। मतलब अभी सोचो रोमांटिक सीन है और आपको ना ऐसे शर्मा के देखना है दूल्हे को, और दूल्हा ऐसे ऐसे आपका घूंघट खोल रहा है, फिर मोंटाज है, सीन भी है, क्या होगा? मतलब वो भी शादीशुदा आदमी है ऑलरेडी, मतलब इसकी बीवी को प्रॉब्लम नहीं है, यही डरपोक है। थर्ड सीजन में मुझे बनाना, तुम देखो सर हम आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कहाँ पाओगे अपना घूंघट? निकला भी नहीं होगा तब भी उठा देंगे घूंघट। आप तो कभी गरीब आदमी को मौका दे दो, लोगों को लगता है ये तो हंसी मजाक करता है। डूड माय फिल्म इज गोइंग इन टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओह या आई सॉ दैट। पर चलो हंसी मजाक की बात, बट क्या काम किया मैंने हमारा नेता कैसा हो? शोर से बोलो। हमारा नेता कैसा हो? सारे बोलो। हमारा नेता कैसा हो? आवाज नहीं आई। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमें क्या पता कैसा हो? जो बोला है वो बोलो। भाई नमस्कार, आप लोगों का ये महारानी का मैंने ट्रेलर देखा। अच्छा भाई कमाल कमाल है ये। भाई हमें तो ये लगता है कि इनको इस पे एक सीजन बनाना चाहिए। अरे बन चुका है, दूसरा भी आ चुका है। दूसरा भी आ गया? हाँ बताओ, मैंने बोला और आ भी गया, ये यही बात है। इसकी तरफ ध्यान मत, एक नंबर का बेवकूफ आदमी है ये। हेलो खबरदार, मुझे आदमी कहा तो बेवकूफ कहा तो हमारी भी इज्जत है साहब इस मोहल्ले में। हम यहाँ के संगीतज्ञ हैं, उस्ताद घर छोड़ दास। घर छोड़? मैंने बड़ा संगीत सिखाया और लोग बड़ी इज्जत करते हैं मेरा नाम लेने से पहले, अक्सर लोग कान पकड़ते हैं। हाँ और बड़ी बात है, इन्हीं का पकड़ते हैं। शर्म नहीं आती शागिर्दों को भीख मांगना सिखाते हैं आप लोग? तो क्या करें, चोरी करते हुए इनके हाथ कांपते हैं तो हम भीख मंगवाते हैं, क्योंकि भीख में अगर हाथ कांपे तो पेमेंट ज्यादा मिलती है। है कौन ये? ये जनता है। बेटे इधर आओ, ये नए बच्चे हैं तो घबरा गए आपके सामने, डर गए हैं, जाओ जाओ चुनो जाओ। अच्छा हम घबराए हैं, हम घबराए हैं। ये
ए, इधर माँ का दूध पिया है तो हाथ लगा के दिखा। पिया है माँ का दूध पिया है। नवजात शिशु को माँ का दूध जरूर पिलाएं, बहुत जरूरी। ये मेरे को लग रहा है जितनी इसने गुस्से में आंखें लाल कर रखी हैं, मुझे लग रहा है इसने माँ के दूध के साथ बाप की दारू भी पी ली है। चल। उस्ताद जी, आपको ये शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? भाई शर्म की क्या बात है, कपड़े पहन के मार रहे थे। तो आप यहाँ करने के आए हैं? मैं? हाँ हाँ, याद आया, मैं आपके सामने चाहता हूँ कि मैं आप मुझे अपने साथ संगीत के लिए रख लें। अगर आप मुझे अपने साथ संगीत में रख लें तो आपको बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि जो तानसेन थे वो जब गाते थे तेज चल जाते थे ऐसे। मैं भी जब गाता हूँ तो दिए जल जाते हैं। मैं आपको दिखाओ, मैं अपना आइटम रखता हूँ साथ में। जल जा जल, यही है बस जी कला। उस्ताद जी, ये लाइटर से तो कोई भी जला लेगा। देखो मैंने बिना लाइटर के बुझा दिया। लाइटर से तो कोई भी जला लेगा। कैसे जला लेगा, मैं लाइटर दूंगा ही नहीं। आप मुझे अपने साथ रखें, मैं राजनीति में संगीत का एक अलग कॉम्बिनेशन है। आपको राजनीति के बारे में क्या पता है? भाई हमें राजनीति का इतना पता है जितना इन्हें भी नहीं पता होगा। अच्छा, मैं ये ज्यादा बोल दिया, इन्होंने दो सीजन किए, इन्हें पता होगा। तो राजनीति का इसलिए भी हमें पता है क्योंकि जो हमारे दादाजी थे नेता थे ना, तो वो जाते थे, उनका सुबह सुबह वो 8-10 गांव उनके अंडर में थे, तो सुबह जाना, उनका टोपी पहनना, घर घर जाके मनी ऑर्डर देना, चिट्ठियां देना, वो अकेले करते थे। अबे वो डाकिये होंगे। अब आपने हमारी आंखें खोल दी साहब। आंखें खोल दी आपने हमारी। कपू कहाँ? यहाँ, ये रहा। देख हुमा, आवाज तो आ रही। हुमा हुमा कहाँ हो तुम? हुमा यार ये ऐसे मजा नहीं आ रहा ना, इसको जरा लगानी पड़ेंगी। चलिए निकलिए यहां से, निकलिए, चलिए। आगे तंग कर रहे हैं हमारे मेहमानों को आप। तो ये आपने मेरे को तंग नहीं किया अभी? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हुमा जो है प्रोड्यूसर बनने जा रही हैं, इनकी फिल्म आ रही है डबल एक्सएल। तो हुमा मेरा सवाल ये है कि ये जो फिल्म है डबल एक्सएल, इसको ट्रिपल एक्सएल लोग भी देख सकते हैं कि उनको टाइट पड़ेगी? आपको पता है अनुजा की एक फिल्म आई थी व्हाट्सएप लव, तो इसको थिएटर में भी देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पे ही देखनी पड़ेगी? महारानी 2 का जो शूट हुआ है, ये हमें पता चला है कि ये सैफ अली खान साहब की वो जो हवेली है उसमें हुआ है, तो आप उन्हीं के कमरे में रुकी थी जी। तो आपको कभी करीना कपूर का फोन आया कि पिछली बार सैफ का पजामा रह गया था लेते हैं? उनके जो चौकीदार थे बाहर, उन्होंने क्या कहा था आपको कि मैडम आओ कि मैडम वाओ? ये आदमी कहाँ से लिख के लाता है यार ये सब? भाई हमारी यही बिकती हैं। नहीं तो मैं तो सीरियस एक्टर बहुत अच्छा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोरंटो फर्स्ट फिल्म इज गोइंग टू टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आफ्टर दैट वी आर हैविंग ए पार्टी एट दीपा मेहता हाउस। मैं अभी जाके आया हूँ वैंकूवर भी। I had a show there. नहीं सही बोल, मैं मस्ती कर रही हूँ। You know, till the time, till the moment I came back, I only speaking English. Yeah, I think let's only speak in English. Yeah, yeah. Let's do it. Yeah, yeah. So we have a special segment over there. The name is PKP. Postpartum.
तो आइए देखते हैं कुछ पिक्चर्स हैं आप सब लोगों की। कुरैशी साहब ने ये फोटो डाला है, लिखा बेस्ट काइंड ऑफ थेरेपी इज रिटेल थेरेपी हैशटैग काफी सारे व्हाट आई हैव डन हे भगवान। ओके दिखाइए नीचे कमेंट्स। हुमा बी लाइक इतनी शॉपिंग कर ली जो लेने आई थी वो तो भूल ही गई। ऐसा होता है, होता है ना, सच है। किसी लिखा पहले भी कहा था घर शिफ्ट करना हो तो टेम्पो कर लेना, हमारे चाचा टेम्पो भाड़े पे देते हैं। आपने खुद ने शॉपिंग की है या सैटरडे मार्केट में खुद सामान बेच रही हो? और दिखाइए। गॉड और है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, गर्लफ्रेंड भी ले गई वहां जहां डिस्काउंट कम था। कपिल, this sounds like you. नहीं नहीं मैं नहीं ऐसे। इन्होंने शॉपिंग पक्का सरोजनी मार्केट से की है इसलिए नाम छुपा रखे हैं। और दिखाइए। विशिंग यू ऑल ए हैप्पी एंड कलरफुल होली। वाह वाह सोहम शाह साहब, दिखाइए नीचे कमेंट्स। इन्हें बीवी भी चार चार दिखाई दे रही हैं। सोच रहे हैं कौन सी वाली से कहूं मुझे अंदर छोड़ाओ। जरूर ये शूटिंग पे होली खेल रहे हैं तभी इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, घर पे तो पूरे पुराने पजामे और बनियान में होते। ये तो बात सच है, ये बात तो सच है। और दिखाइए। अरे येलो बस द फिल्म, यही मिला था। क्या बात है अमित सर, बड़ी अच्छी फोटो है ये। दिखाइए कमेंट्स। जब 4:15 पे नींद आए और 4:30 पे लाइट चली जाए। ये जर्दा मसल रहे थे एकदम से पिताजी आ गए। इनसे किसी ने कहा था पैसा हाथ का मैल है इसलिए ये बैठ के पैसा निकाल रहे हैं। ये गर्म पानी पी के बैठे रह गए, बाथरूम में कोई और घुस गया। ओहो और दिखाइए। कभी धूप कभी छांव, कहाँ की फोटो सर ये? महारानी फर्स्ट सीजन, सीजन वन, होशंगाबाद भोपाल के बीच में। अच्छा चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। प्रमोद जी ऑफ सीजन में अपने ईंट भट्टे का काम वापस शुरू करते हुए। लगता है ये 100 का नोट रख के भूल गए कौन से पत्थर के नीचे छुपाया था। गाइड ने इन्हें इजिप्ट का पिरामिड बोल के ईंट का भट्टा दिखा दिया। और दिखाइए। अरे बाप रे। ओ कैरम करते रहो फल की चिंता मत करो। वाह नाइस, वाह क्या बात, क्या वर्ड प्ले किया आपने। दिखाइए कमेंट्स। ये बातें सिर्फ लिखने में अच्छी लगती हैं, अगर फल वाला 2 अंगूर भी कम दे तो बंदा ओटीटी वाली गाली देता है। अपनी गोटी सेट करते हुए। इनके चेहरे पे खुशी तो ऐसी है जैसे बुफे से रसमलाई उठा रहे हो। राजा की गैर मौजूदगी में रानी के साथ छेड़छाड़ करते हुए। और दिखाइए। ओहो साठे साहब जी, मॉर्निंग्स एंड रेनी डेज। नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। कितना अच्छा मोहल्ला है, बारिश के बाद सुंदर लड़की निकलती है, हमारे तो मेंढक ही निकलते हैं। बरसात होते ही इन्हें मम्मी ने बेसन लेने भेजा है और ये रास्ते में फोटो खिंचा रही हैं। किसी ने रिप्लाई किया हो सकता पापा ने चॉकलेट लेने भेजा हो। आगे देखते हैं। मैडम आंखें खोलो और छाता बंद करो, बारिश बंद हो चुकी है। लव। और दिखाइए। Everything in the universe is within you. Ask all from yourself, Rumi. ये जब आप फोटो डालती हैं, तो रूमी वाला कोट आपके पहले से दिमाग में होता है कि फोटो के हिसाब से ढूंढती हैं? नहीं, फोटो खींचती हूँ और फिर ऐसे कोट याद आता है। अच्छा याद आता है, ऐसे ढूंढते नहीं उस समय जैसे लड़के ढूंढते हैं गूगल करते हैं वैसे नहीं। वाह यार लड़कियों के पता कैप्शन बड़े अच्छे होते हैं, लड़कों को बेकार ही होते हैं मैंने देखा। अब लड़का ने यही डाली होती तो लिख देते देखना धीरे धीरे ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। कितना अच्छा कोट डाला यार, नाइस। दिखाइए कमेंट्स। मैं जलती हुई मोमबत्ती के बीच से उंगली निकाल सकता हूँ, आप निकाल सकती हैं क्या?
किसी ने रिप्लाई किया कृपया हर चीज में उंगली ना करे। किसी लिखा समझ नहीं आ रहा मैं शम्मा को देखूं या हुमा को देखूं। नीचे नीचे किसी ने रिप्लाई किया तू कमा के देख। वो तो सब ठीक है पर कैंडल के दूसरी तरफ कौन है। नेशन वांट्स टू नो। किसने खींची फोटो ये? मेरी मैनेजर मोना ने। आगे बताइए। ठंडी हवाएं सुनहरे नजारे बस एक कप चाय की कमी है। महारानी डायरी दिखाइए जरा कमेंट्स। ना भाई ना दारू के ऊपर चाय नहीं पीते। बगल में जो तार जा रहा है उसको पकड़ के देखो करंट आता है क्या। हम देखना चाहते हैं बिजली कहां तक पहुंची। इंस्टा पे चैट करने वाली लड़कियां ऐसे ही बेवकूफ बनाती हैं। ऐसी जगह बुला के खुद नहीं आती। एक चैट पीड़ित। किसी ने लिखा जिससे फोटो खिंचवाई उसी से चाय मंगवा लेते। और दिखाइए। अरे यार होपिंग इन फॉर ए क्विक ड्राइव अराउंड द ब्लॉक। दिखाइए कमेंट्स। सर एक्टर बनने के बाद ऑटो अभी भी है या बेच दिया? आज इन्होंने हाफ यूनिफॉर्म पहनी है लगता है हाफ डे पे है। शेयरिंग ऑटो का पहला कैंडिडेट ऐसे ही बाकी सवारी का वेट करता है। इतना खुशी हो रहा है बता नहीं सकते है। एक मिनट लई लोटा। आप मुझसे कुछ लोग तो मिर्जापुर में भी थे ना। आप भी थे मिर्जापुर? आप भी थे? आप लोगों का ना कास्ट मेंबर एक और यहाँ पे मौजूद है, मिलना चाहेंगे? मिलिए। ये रहे कालीन भैया। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन करेंगे नहीं, हम खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली। हाँ। जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। वैसे शर्मा जी आपके लिए गुड न्यूज है एक बैड न्यूज है। पहला बैड न्यूज देके खत्म करते हैं। नहीं आपका वो लाल रंग का बूसेट है ना फेवरेट वाला। हाँ। हमसे थोड़ा सा जल गया है। तो गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज फिल्म है अक्षय कुमार का करीना कपूर का देखे। ओए तुम मत हंसा कर, हंसती ऐसा लगता कंगारू को दौरे पड़े हैं। वैसे सिर्फ हम हंसते नहीं है रोते भी हैं। हमने देखा महारानी 2 ना पूरा पूरा सीरीज देखे हम, हमारी आंखों से आंसू निकल आए। इतनी इमोशनल लगी तुम्हें? नहीं नहीं 8 घंटा लगातार मोबाइल फोन के अंदर घुस के बिंज वॉच ही आएंगे तो आंख से आंसू ही निकले। बिंज वॉच ही आएंगे कि नहीं? बिंज वॉच ही आएंगे। वैसे हम आपको बताए राजनीति के बारे में ऐसा नहीं हमको नॉलेज नहीं है, बहुत नॉलेज है। हम चुनाव में भी खड़े हुए थे। हाँ, फिर पीछे से किसी ने आवाज दी बैठ जाओ नेताजी दिख नहीं रहे हैं। कपड़े धोने के अलावा कोई काम आता तुम्हें? हमको एक्टिंग आता है कमाल का। तू कहाँ एक्टिंग करती है? नहीं करना पड़ता है एक्टिंग। अच्छा? क्या होता है कपड़ा धोते धोते किसी का कपड़ा फट जाता है तो एक्टिंग करना पड़ता है। क्या आपका कपड़ा का क्वालिटी खराब था? आई डोंट नो। अरे एक्टिंग में हमारा हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ सीधा गला जो पकड़ते हैं इसका। हमारा गला होगा तो पकड़ेंगे ना। है कि नहीं? हम गला रखे ही नहीं है, गला में टाइम वेस्ट नहीं किया। हमारा शोल्डर के बाद सीधा मुंह शुरू किए हैं हम। वैसे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारा लॉन्ड्री में आइए ना किसी दिन। चल झूठी लॉन्ड्री वाली, कोई लॉन्ड्री नहीं इसकी, तालाब के पास बैठ के कपड़े धोती है। उस दिन साबुन की जगह कछुआ रगड़ रही थी किसी की पैंट पे। कछुआ बेटर होता है, साबुन चलता है 20 दिन, कछुआ चलता है 200 साल। लेकिन उसमें झाग तो नहीं होता ना? अरे तो जरा सा आधा टीका साबुन खिला दीजिए 3 महीना तक झाग छोड़ता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। इसका यही प्रॉब्लम है, ऐसे उल्टे उल्टे काम करती। उस दिन ज़ेब्रा था किसी का खड़ा, इसने धुल धुल के उसकी स्ट्राइप्स गायब कर दी। अब वो गधों में बैठा ताश खेल रहा है। आपसे बात करना था दिव्या बिंदु जी। हमारा जो दिव्या बिंदु क्या होता है? दिव्यांदु जी है वो। हाँ वही बोले हम दिव्या बिंदु जी। देख इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं रखना चाहिए, प्रॉब्लम होता है। सो हम क्या कर
ये देखिए ऐसा नाम रखे सोहम, हम ले भी नहीं रहे थे निकल आया। इजी हो जाता है तो हम बता रहे थे आपका एक सीरीज आया था अनदेखी, वो सीरीज हमने देखी। तो हमको सिर्फ ये जानना है कि अब उसको देखने के बाद अनदेखी ही कहना है कि देखी कह सकते हैं। मत हंसा कर तू ऐसे, आपको पता नोएडा में जो ट्विन टावर नहीं गिरे उसके अंदर यही जाके हंसी थी। शर्मा जी थोड़ा सा सौंफ मिलेगा? क्यों? क्या आपकी बातें हमें हजम नहीं हो रही है। दिक्कत है थोड़ा। वैसे हुमा जी आपको सच बताएं? जी। देखिए आपका शादी का क्या इरादा हमको नहीं मालूम, पर हम तो शादी के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो गए। तेरी शादी नहीं होगी, ये चोटियां देख कैसी बनाई तूने। तो उससे क्या होता है, चोटियों का क्या? प्रमोद जी क्या देख रहे हैं, हम चुटिया बना नहीं रहे हैं, ये चुटिया है। बता रहे थे कि एक लड़का है उसके साथ ना सर नैन मटक का हमारा थोड़ा सा चल रहा है हुमा जी। जी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत बड़ा आदमी है। इतना बड़ा आदमी है, बड़ा बड़ा लोग उसके सामने सर झुकाता है। क्या करता है वो? वो बाल काटता है लोगों का। और उस तरह तो इस तरह चलाता है जिस तरह उस तरह कोई नहीं चलाता। आए, आए, आए। और बाल डाई करता है, उसका बाल डाई का तो हम डाई हार्ट फैन हैं। और दो उंगली से कैंची जो कस के पकड़ता है वो। उस पकड़ के साथ कभी हमें जकड़ ले तो मजा ही आ जाए। उसका कैंची चलेगा कचर कचर, हमारा कपड़ा धुलेगा पचक पचक, कचर कचर पचक पचक, कचर कचर पचक पचक, बहुत मजा आएगा। लेकिन हुमा जी एक थोड़ा प्रॉब्लम है जी। हमने ना वो लड़के को बोल दिया है कि हम दोनों एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा। हमारा आपका सारा कपड़ा हम ही धोते हैं, हमारा उठना बैठना है साथ में, क्या थोड़ा प्रोफाइल बेटर होता है ना। उसने हमसे कहा है कि अगर तुम हमको हुमा कुरेशी से मिलाओगे तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, ऐसा उसने हमसे कहा है। अच्छा। तो हुमा जी वो यहाँ पर पीछे खड़ा है, हम उसको बुला लेते हैं, लेकिन आप थोड़ा ऐसा दिखाइएगा कि आप हमको जानते हैं। अच्छा। और जितना भी एक्टिंग आपको आता है वो हमने सिखाया है, खाली बोल दीजिएगा। अच्छा। बोल दीजिएगा उसमें क्या है। आ जाइए जी। वाह वाह, ये मरेगा स्वागत वाला दिन ही मरेगा ये। यही है हमारे कचर कचर, और आप इनकी पचर पचर पचक पचर। वो ज्यादा शर्मा रहा है। ये भी चुटिया बना रहे क्या? चीनी चला। चुटिया बनाना खाली हमारा जिम्मेदारी है। अरे देखिए ना सामने सब हैं इधर। अरे सबको अपना नाम तो बताइए। अरे इतना नजदीक से हमें नहीं सुनाई दे रहा, उनको क्या घंटी नहीं है? हाँ सुनाई देगा, जोर से बोलिए थोड़ा। पुरुषोत्तम। शरीर से बड़ा नाम रखे हैं ये। क्योंकि सोच बड़ा है ना। इसलिए तो देखिए ना सामने हुमा जी बैठी है। इतना मत शर्माइए, बैठी है देखिए ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हम परमिशन दे रहे हैं, देख लीजिए। कितना शर्माते हैं, रुकिए। हमको प्रॉमिस किया था हम उमा कुरेशी से मिलाएंगे, आप प्रपोज करेंगे, तो प्रपोजिंग का आ गया है मोमेंट। चलिए तो अब आप हमको प्रपोज कीजिए। गुड़िया, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बहुत खुश रखेंगे आपको। ब्रश किया है? कुछ भी कर सकते हैं। बाथरूम करके आओ। आई लव यू। हाय, सिर्फ बतियाते ही रहेंगे, अंगूठी भी तो पहनाइए। अरे हाथ आगे करेंगी तब ना। हाँ तो हाथ तो आगे किए हैं, ये हमारा पैर है। ये बैठा है।
आप वहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ हैं। हम तुमसे शादी करेंगे। हम तो हुमा जी को देखना चाहते थे इसलिए सब किए, वरना हम तुमसे शादी करेंगे। कह दीजिए झूठ है। नहीं है, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। नहीं करना है शादी? नहीं। यहाँ आइए। नहीं क्या है? यहाँ आइए तो। क्या है? आइए आइए। अबे भाग, क्या समझता है? हमको भी कोई शादी नहीं करना है तुमसे, आया बात समझ में? और क्या करते हैं ये, बाल ही तो काटते हैं, हाँ? खाली काटने का काम कीजिए, जोड़ने का कोई काम मत कीजिए जीवन में। और जुओं का घर होता है बालों में, उसको काट के जुओं का घर खराब करते हैं। शर्म नहीं आता है आपको? ये कोई काम है? हमको भी आपसे शादी नहीं करना है। लोग इतना मेहनत करके अपना बाल सफेद करते हैं, उनको काली लगाते हैं। चलिए निकलिए, शादी तो बहुत दूर का बात है, जाइए यहाँ से। जाते हैं। I'm sorry, हम थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए। हाँ हाँ, काफी हो गए। थोड़ा फचक फचक करते करते हो जाता। हाँ। नहीं, आप चुटिया बना रही थी, वो चुटिया बना के चला गया। वैसे आपको सच बताएं, हम तो सब प्लानिंग भी किए थे कि शादी करेंगे तो एक बैचलर पार्टी होगा। हाँ। इतना सारा हमारी सहेलियां आएंगी, लौंडा डांस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम बहुत ही लो फील कर रहे हैं। हमारी जनता की कुछ समस्याएं हैं जी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री का किरदार निभा रही हैं, तो आप इनका निदान कीजिए प्लीज। कौन कौन है भाई साहब? जी आइए। हेलो कपिल सर। नमस्कार जी, कैसे आप? हेलो मैम। हेलो। हेलो एवरीवन, मैं पवन सिंह बिहार से हूँ। पवन सिंह, बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका। महारानी जी, मेरी समस्या ये है जी कि मेरी बीबी महीने में 2 दिन मेरा बहुत ख्याल रखती है, बाकी के 28 दिन मुझे काम पे भगाते रहती है। इसके लिए आप एज ए चीफ मिनिस्टर क्या कानून पास करेंगे उसमें? ये पता करो 28 दिन किसका ख्याल रखती है वो। 28 दिन पेमेंट के चक्कर में पड़ी रहती हैं। आपकी बीवी आपसे पेमेंट लेती है? यार, वो कहती है कि जाओ कमा के लाओ, तनख्वाह लेके आओ, ऐसा। yes, पवन जी, ये तो देखिए हक होता है, ये तो आप अगर बाहर जा रहे हैं तो वो भी घर संभाल रही हैं। तो क्या आप इनको सॉल्यूशन क्या देना चाहती हैं? जो 2 दिन आपकी पत्नी आपका ख्याल रखती है, आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, पर वो पेमेंट लेने के लिए ख्याल रखती है। पेमेंट लेने? जब मेरी सैलरी आती है उतना ही 2 दिन ख्याल रखती है। वो जो आपका ख्याल रखती हैं, तो वो ख्याल कहाँ पे रखती हैं? आपने देखी वो जगह क्या? मेरे ऊपर ही रखती है। चलिए शुक्रिया पवन जी, ये तो देखिए आपसी मसला है। और कोई हमारे दोस्त भाई बंधु? जी मैडम आइए। मोहतरमा नमस्कार जी, क्या हाल है? हेलो कपिल सर। हेलो एवरीवन। हाय सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं। अच्छा। और मैं इंजीनियर हूँ। हम लोग सारा दिन बाहर होते हैं, जब शाम को हम डिनर के बाद घर पे रहते हैं, जब आराम का टाइम होता है, तो जो मेरी पड़ोसन है वो काफ़ी मियाँ बीवी झगड़ा करते हैं और बर्तने तोड़ते हैं। तो महारानी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिए कोई आप प्रावधान बनाइए ऐसे पड़ोसियों के लिए। नहीं नहीं, 100% आई थिंक लड़ाई झगड़ा तो बहुत ख़राब बात है। अगर आप सुने आपके पड़ोस में कोई झगड़ा हो रहा है या कोई वायलेंस हो रहा है, तो आपको उसको डेफिनेटली रोकना चाहिए, जाके घंटी बजानी चाहिए और बोलना चाहिए कि भैया मत झगड़ा कर लिया। वो भी करके देख लिया मैं। डंडा लेके जाओ, उस आदमी के बर्तन तोड़ दो दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम नमस्कार। हेलो कपिल सर। हेलो एवरीवन। हाय, मेरा नाम खुशहाली है, मैं मुंबई से हूँ। खुशहाली आई आज हमारे शो पे। मेरी एक समस्या है जो मैं महारानी के सामने रखना चाहती हूँ। जी आई गेस ये समस्या सभी लेडीज लोग की है। जब भी हम तैयार होने जाते हैं तो हस्बैंड हमारे पीछे आके पूछते हैं कितना टाइम और। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि उन्हें ये सवाल पूछने का अधिकार ही ना हो, और मैं आराम से 3 घंटा लेके सुकून से रहूं। ये और इजी हो जाएंगे। आप बोलते हो अधिकार बंद कर दो, वो पूछने नहीं आएंगे, अकेले चले जाएंगे। ये मत बंद कराओ आप, ये तो गलत हो गया, उल्टा हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, बहुत दिक्कत आती है। उनको तो सिर्फ शर्ट और पैंट पहनना है और रेडी हो जाना है। सिर्फ शर्ट और पैंट पहनते हैं आपके हस्बैंड?
देखिए मैं एक्चुअली इनसे अग्री करती हूँ, आई थिंक लड़कियों को ज्यादा समय लगता है और अच्छी बात भी है, लगना भी चाहिए क्योंकि देखिए अब लड़के भी लड़कियों को देखते हैं और बाकी लड़कियां भी लड़कियों को देखती हैं, तो एक्चुअली लड़कों को दिखता है नहीं, सॉरी कपिल, दुनिया में मैं ही एक लड़का हूँ और इधर भी हैं कितने सारे, उनको बोल देती आप बेस्ट लड़के हो ना यहाँ पे इसलिए। ओके तो आई अग्री विथ यू कि आई थिंक बॉयज को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, जैसे ही मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे सबसे पहला लॉ कानून में यही पास करूंगी कि खबरदार किसी लड़के ने मुझसे पूछा कि बेबी कितना टाइम लगेगा। थैंक यू, शुक्रिया मैम, कितना इंटेलेक्चुअल बात किया आज आज। और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब, ऐसा क्या बच गया जो आप कहना चाहते हैं? मेरा नाम बॉस है और मैं दिल्ली से आया हूँ। आपका नाम बॉस है? बॉस सहाय श्रीवास्तव। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, देखिए जैसे अपन बॉयज लोग हैं तो गर्ल्स पसंद करते हैं कि गर्ल्स हमको पसंद करें, तो अभी मेरे साथ क्या हो रहा है रियली कि जो मैरिड वुमेन्स हैं वो मुझे, मतलब मेरा कोई अप्रोच भी नहीं करता, इवन देन मुझे पसंद करती हैं। बट मेरी प्रॉब्लम जो है जो कुंवारी लड़कियां हैं वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। यार ये पहली बार मैंने ऐसी समस्या सुनी है। मैं चाहता हूँ अपोजिट हो जाए, लाइक जो कुंवारी लड़कियां हैं वो मुझे पसंद करें और मैरिड ना करें। हम क्यों ऐसा सोचें आपके लिए? हमें क्या पड़ी है पहले बताइए, हम अपने काम धंधे पे ध्यान दें। देखिए आप सीनियर्स हैं। सीनियर क्या मतलब, मैं का दादा साहब फालके के साथ आया था यहाँ पे। हो सकता आपको लगता ही हो कि वो औरतें मेरी तरफ देख रही, क्या बताओ वैसे ही जा रही हूँ कहीं। अभी क्या आपको मैं अपने क्या चैट्स वगैरह दिखाऊं क्या, मतलब ओके गाइस देखो ये अच्छा मस्ती मजाक अपनी जगह, ये बहुत सीरियस बात बता रहे हैं, ये चाहते हैं कि कोई अच्छी लड़की सिंगल इनको मिल जाए और कोई मैरिड वुमन जो आपसे फ्लर्ट करी वो ना करे, तो मैं आपके शो के माध्यम से उन सभी ब्याहता औरतों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज इनसे चैट करना बंद कर दीजिए और सभी कुंवारी लड़कियों से कि देख लो मतलब अच्छा लड़का है यार बॉस। आप यार बंदे बड़े प्यारे हो। थैंक यू सो मच सर। जो चल रहा है चलने दो, जिंदगी है बस। आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट आशीर्वाद टाइप चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट क्या चाहिए, हम क्या ब्याहता और पतियों से लड़े जाके। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स बस, ब्लेसिंग्स बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए हुमा, आइए सो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन्होंने अभी तक महारानी सीजन 2 नहीं देखा जाके देखिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। और लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हुमा। और दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू कुरैशी साहब, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.